प्रसिद्ध कार डिजाइनर दिलीप छाबरे आपले सोबत आहेत। सर, आपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है जिसमें आपने कुछ आरोप लगाए, क्या यह आरोप है और क्या आपको कहना है? देखिए, ये हमारे हिसाब से आरोप नहीं है, हमारे हिसाब से तो फैक्ट है, क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट ने, CIU ने 28 दिसंबर को अरेस्ट किया था विदाउट एनी समन्स, विदाउट एनी नोटिस, और मेरा बैकग्राउंड देखते हुए, यानी अभी तो वेल एस्टेब्लिश हो गया है कि सचिन वाजे एक्सट्रॉशन रैकेट में इन्वॉल्व था, तो यही कोई भी कंप्लेंट जाता है उसके पास, वो कंप्लेंट रजिस्टर करता है और अरेस्ट करता है। और ये शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि नॉट ओनली जो उसने किया, अगर कंप्लेंट सच था तो मैं समझ सकता हूँ। अभी कोर्ट बेल ऑर्डर ने प्रूव कर दिया कि ये सब गलत थे, वो 400 कार्स का जो स्कैम था, 100 करोड़ का स्कैम था, किधर गया? एक कार भी नहीं है, एक कार है लेकिन उसका स्कैम नहीं है, क्योंकि उसका हमने फाइनेंस कंपनी को पेमेंट कर दिया था बहुत साल पहले। तो ये हमने लेटर इसके लिए लिखा ताकि ये जो हादसा हुआ है वो दूसरे लोगों से साथ साथ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जैसा आदमी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक स्टॉलवर्ट है, जो हमने मार्केट क्रिएट किया है, हम 30 साल से हमारा ब्रांड है, उसको आप लेके अरेस्ट करते हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि आपको हरेस किया गया, तो क्या हरेसमेंट हुआ था, क्या कुछ आपसे डिमांड किया गया था जिस तरह से आपने लेटर में उसका जिक्र किया? तो हरेसमेंट ये था कि हम आपके अगेंस्ट 15 FIR दर्ज करेंगे, 2 साल आप अंदर रहेंगे, हमको 25 करोड़ चाहिए। और जब मैंने बोला हमको 25 करोड़ है नहीं, हम देने के लिए है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, हमने तो इंडिया को प्राउड किया है, बट सचिन वाजे बिंग सचिन वाजे उसको मांगता ही है फिनिश, तो इसके लिए वो हरासमेंट ऐसा होता था, नहीं नहीं हमको तो चाहिए, हम तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि मेरी सिस्टर को एंटीसिमेटरी बेल था, उसके बावजूद उसने अरेस्ट किया, उसने फिर रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ है, उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको पता भी नहीं था, उसके बाद उन्होंने वो कपिल शर्मा के केस में ट्रांसफ़र किया जिसमें वो अक्यूज थी नहीं, तो ये सब चल रहा था। तो ये हरासमेंट ये था कि एक आदमी को आप डराएंगे कि आप ये पैसा नहीं दोगे तो ही हम करेंगे आपसे, और उसके वजह से उसने 3 FIR तो किया, अगर वो अरेस्ट नहीं होता था तो आज शायद मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता था, 2 साल तो अंदर रखता था वो, जब तक मैं उसको 25 करोड़ नहीं देता था। ये जो डिमांड थी वो किसने आपसे की थी, सचिन वाजे ने खुद की? सचिन वाजे उनके ऑफिस में उनके तीन लोग थे, सचिन वाजे, काजी आयो काजी और आयो होवर, ये तीनों हमेशा साथ में रहते थे, और जो भी लेन देन वो बात करते थे सब उन सचिन वाजे के ऑफिस में होता था, खुल्लम खुला। ये आपको ऑफिस में बुलाया गया था कि नहीं? हमको अरेस्ट किया था ना, तो हम उनके ऑफिस में थे ना, तो 8-10 घंटा रोज ऑफिस में रहते थे, तो बार बार बुलाते थे, क्या सोचा क्या किया, बोला हमारे पास इतना लिक्विड कैश है ही नहीं, तो ये उनके साथ ये तीनों के साथ बात होता था। ये जिस तरह से इन्होंने डिमांड की थी इसके पीछे कौन था, जिस तरह से आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पीछे मेरा एक्स पार्टनर था और उसका एसोसिएट था मिस्टर इंदर अमानी। मेरा एक्स पार्टनर का नाम है किरण कुमार, ये जो ललिता ज्वेलरी मार्ट चेन्नई का ज्वेलर है, उसने ये किया था, क्योंकि मेरे को उन्होंने जो कमिटमेंट किया था पैसे को नहीं किया था, इसके लिए कंपनी NCLT में चली गई, और मैं उनको बार बार लिखता था कि ये करो, नहीं तो यू नो 30 साल की कंपनी यू नो अननेसेसरली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मेन थिंग तो क्या था कि मेरे को कुछ ऐसे एविडेंसेस थे जो आज मैं नहीं बता सकता, जो वो बहुत तकलीफ में आ सकते थे, दूसरा नीरव मोदी हो सकता था, तो वो रोकने के लिए, ये फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, वो रोकने के लिए, क्योंकि उसका यही प्लान था मैं मैनेज करूँ क्विड प्रो को सचिन वाजे के साथ या उनके बॉस के साथ, और DC को कम से कम 2 साल अंदर रहूँ ताकि ये मामला सर डिवाइन पावर जो ये था कि सचिन वाजे अरेस्ट हो गया इसके लिए मैं बात कर सकूँ। पूरे मामले में परमवीर सिंह उनका भी जिक्र आपने किया? हाँ, तो सचिन वाजे हमेशा जिक्र करता था कि ये सब जो मैं मांग रहा हूँ मेरे लिए खाली नहीं है, ये मेरे बॉस को भी जाता है,
उसका बॉस यानी परमवीर हुआ, मैं परमवीर से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वो बार बार जिक्र करता था कि खाली हम अकेले नहीं हैं। आपने ये सीएम को लेटर लिखा है, कब लिखा है और क्या कुछ इसका जवाब या कुछ आपकी बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो हम जो हमने सीपी मिस्टर नगराले को ये सीसी गया है और डीजीपी को गया था, तो पहला आज अपॉइंटमेंट था हमारा, अभी वो प्रोसेस चालू किया है हमने, तो काफ़ी चीज़ डेवलप होगी अभी। क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ आगे हो या क्या आप चाहते? देखिए, हम कुछ चाहते नहीं हैं, यानी एक मॉडल एंटरप्रेन्योर को मोदी का मेक इन इंडिया में अगर आप ऐसे काम करोगे तो कौन बनेगा एंटरप्रेन्योर? और हमारे देश को आज एंटरप्रेन्योर्स की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका और जर्मनी सक्सीड क्यों हुआ? क्योंकि उनके एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल था। और आप मेरे को ऐसा करेंगे विदाउट नोटिस, विदाउट ये, और हमने तो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया है, रिस्क लिया है, ड्रीम किया है, और आप मेरे को अंदर डाल देंगे 127 डेज के लिए, क्योंकि कोई भी कंप्लेन कर सकता है, कोई भी पैसा दे सकता है सचिन बाजे को, हो गया काम, ऐसा होता है क्या? अच्छा, अगर मैं नहीं था, मेरा पहचान नहीं था, यानी आप फर्ज कर लो कोई भी आप कोई भी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लीडर को आप कंप्लेन करोगे, पुलिस उसको अरेस्ट कर देगा, ऐसा होता है? आपके कंप्लेन में पुलिस जांच करेगी ना, ऐसा तो नहीं कि आपको अरेस्ट करके डाल देगी अंदर, कल कलम डाल देगी। लेकिन सचिन वाजे था, उसके ऑफिसर्स थे मिस्टर काजी, मिस्टर होवल, तो अभी आपको सबको पता है उन्होंने क्या किया है, अभी अंटिल्ला तक वो पहुँच गए, तो मैं कौन सी चीज़ हूँ? शुक्रिया सर ये पूरी बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंदेसा, देवेंद्र कोलटकर, जी मीडिया, मुंबई। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24